इधर इधर जो है ज्यादा विपदा आई ना, इधर इधर पानी आया तो सारी बेल्ट इधर से बहुत खतरनाक हो गई। बात है कि भैंस बग गई है और 25 गाड़ियां बता रहे हैं लोग बग गई हैं। वहाँ पर पड़ी गाड़ी नमस्कार, मैं रोशनी खंडूरी और बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और जेपी वर्ल्ड टीवी पर जैसे कि आप जुड़े हैं और देख रहे हैं कि बारिश की तबाही का मंजर देहरादून की हर जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मालदेवता में हम हैं और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पानी जो है कितना उफान पर है, काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। सुनने में आ रहा है कि काफी गाड़ियां बह गई हैं, जो छोटे छोटे हट्स बने थे, रेस्टोरेंट बने थे, वो भी कहीं ना कहीं डूब गए हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ में बहुत सारे गांव वाले हैं, ऊपर द्वारा गांव पड़ता है और जहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। यहाँ पर भैंस है वो भी शायद डूब गई है। इसका क्या नाम है आप? भैंस है नीतीश ने की। तो यहाँ पर क्या कुछ नुकसान हुआ है, आप यहाँ पर आए हैं? मैडम मैं यहाँ देख रहा हूँ कि तमाम जो है पूरा जो है पेड़ पौधे जो है उखड़ उखड़ के आ गए हैं और दूसरी बात है कि भैंस बग गई है और 25 गाड़ियां बता रहे हैं लोग बग गई हैं। तो जैसे कि आप सुन रहे हैं लगभग 25 गाड़ियां यहां पर बह गई हैं, तो यहां पर आगे जाना खतरे से खाली बिल्कुल भी नहीं है। अगर इधर जो है ज्यादा विपदा आई ना, इधर इधर पानी आया तो सारी बेल्ट इधर से बहुत खतरनाक हो गई। मैडम आप यहाँ भी ना खड़े हो क्योंकि जो है हाँ ये भी जो है आप ये भी क्या पता है इसका नंबर, क्योंकि वहाँ से आ रहा नहीं पानी। हाँ मैडम जी, और ये पानी जो है यहाँ कटाव करेगा है ना, तो ये सारा आधा मालदेवता चले जाएगा। तो अगर बारिश ज्यादा होती है तो ये उफान पर जैसे कि है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये सड़क भी कहीं ना कहीं कट जाए और यहाँ पर भी नुकसान हो सकता है और आधा आधा मालदेवता जा सकता है। ठीक है सर, मालदेवता में काफी नुकसान इसकी वजह से हो सकता है और जैसे कि आगे मैं आपको लेकर के चलूंगी तो आगे भी काफी नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे की क्या कुछ स्थिति है। तो आगे सुनने में आ रहा है कि काफी जो गाड़ियां हैं पलटी हैं, जैसे लगभग 25 गाड़ियां यहां पर पलटी हैं। तो आगे से लोग आ रहे हैं, उनसे भी पूछते हैं। हाँ जी, आप आगे से आ रहे हैं, आगे क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या देखा आपने आगे? वहाँ तो हम गए थे बैंक, उनके पास टूटा हुआ देखा। आप आगे से आ रहे हैं, आगे कैसी स्थिति है? बहुत खराब स्थिति है, बहुत गंभीर स्थिति है वहाँ। कोई जान माल का नुकसान आगे? बहुत दुकानें बहेगी, दुकानें टूट गई, गाड़ियाँ बहेगी, कई नुकसान हो गया। यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां और काफी सारी दुकानें आगे बह गई हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि कितने सारे पेड़ यहाँ पर है और ये रास्ता भी खतरे से खाली नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं बारिश की वजह से रास्ते कमजोर हो चुके हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये रास्ता काफी रिस्की है, पत्थर ऊपर से आ रहे हैं और कभी भी ये रास्ता टूट सकता है। ये जो उफान है इसमें आप तेजी साफ देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ये रास्ता भी एक परेशानी का सबब बना हुआ है। पुलिस प्रशासन हरकत में नजर आ रही है और लगातार नजर यहाँ पर बनाई हुए है। एम्बुलेंस भी यहाँ पर है क्योंकि आगे जानमाल का नुकसान हुआ है और सामने आप देख सकते हैं काफी सारी दुकानें यहाँ पर टूटी हुई हैं और नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है।
एम्बुलेंस पुलिस यहाँ पर मौके पे मौजूद है लोगों की मदद करने के लिए। सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से मुश्किलों से होते हुए लोगों को ऊपर से नीचे आना पड़ रहा है और नीचे से ऊपर जाने वाले लोगों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे वहां पर काफी भीड़ जमा है और वहां पर नुकसान भी शायद कुछ हुआ है, तो चलिए आगे चलकर देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लगभग बहुत सारी गाड़ियां फंसी हैं, 3 गाड़ियां तो मुझे दिखाई दे रही हैं यहां से जो फंसी हुई हैं। उधर भी तो जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है और कई सारी गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं, 25 गाड़ियां बताई गई हैं। और जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं वहां पीछे से लेके और इधर तक काफी गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं। रिजॉर्ट भी शायद रिजॉर्ट के अंदर भी काफी पानी यहां पर आया है, तो यहां पर स्थानीय लोग हैं, चलिए उनसे जानते हैं। यहाँ पर क्या कुछ नुकसान हुआ है, आप यहीं रहते हैं? ना, हम तो नीचे रहते हैं इंटर कॉलेज के पास। तो अभी कितने समय से यहाँ पर हैं, क्या कुछ आपने देखा? अभी आ रहे हैं, अभी यही देख रहे हैं कि यहाँ पर नुकसान हो रखा बहुत ज्यादा। आगे अगर सामने से मैं दिखाऊं तो स्कूटी एक बड़ी मुश्किलों से आ रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगी थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाएं। पानी काफी ज्यादा भरा हुआ है और स्कूटी का पूरा टायर जो है इसमें फंसा हुआ है। लोग भी पैदल बड़ी मुश्किलों से आ रहे हैं और लगभग घुटनों से ऊपर ऊपर पानी यहाँ पर है। लोग